चांदनी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, लेकिन उसके ससुराल में बहू का काम करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी हुई थी और वो शादी करके ससुराल आई थी। वहीं चांदनी की सास मालती और ससुर केवत भी नई बहू के घर आने से बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं चांदनी के पति संजय को ऑफिस के काम से महीनों दूर रहना पड़ता था, जिस कारण चांदनी अकेले ही अपनी सास ससुर की सेवा करके खुश रह रही होती है। एक दिन रात में अचानक से बहू के कमरे में किसी के हंसने की आवाज आती है। ये आधी रात को इतनी जोर से कौन हंस रहा है, इनको जगाऊं क्या? नहीं नहीं, इतनी रात को इन्हें जगाना ठीक नहीं है, मैं ही देख कर आती हूँ। फिर मालती बाहर हॉल में आती है। ये आवाज तो बहू के कमरे से आ रही है, आधी रात को बहू के अंदर आत्मा वात्मा तो नहीं घुस गई जो इतनी जोर जोर से हंस रही है? अरे ऐसा लग रहा है कमरे में कोई लड़का भी है, अब तो लड़के के भी हंसने की आवाज आ रही है। अरे जानू, अब कितना सबर करवाओगी? बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वही हॉल में खड़ी सास ये आवाजें सुनकर बौखला जाती है और बहू के कमरे के पास जाकर दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। कल मुँह ही करम जली, दरवाजा खोल, आज तो तुझे मैं सबक सिखा कर रहूंगी। सास की आवाज़ सुनकर बहू दरवाजा खोलती है। वही तब तक ससुर जी भी वहाँ पे आ चुके होते हैं। क्या हुआ सासू माँ, ऐसे आधी रात में गला क्यों फाड़ रही हो? पता है रात को चिल्लाना ठीक नहीं है, मेरी माँ कहती थी कि रात को वो चिल्लाते हैं जिसे चुड़ैल ने पकड़ लिया हो, कहीं आप चुड़ैल तो नहीं है? चुप कर डायन और हट सामने से। फिर सास कमरे में जाकर कमरे की तलाशी लेने लग जाती है। अरे ये आधी रात को अचानक से कमरे में आकर आप क्या ढूंढ रही हैं? कहाँ है वो? कौन वो? अरे क्या हुआ भाग्यवान, किसे ढूंढ रही हो बैठ के नीचे? रकीब, रकीब को। गरीब? किस गरीब को सासू माँ? यहाँ मेरे कमरे में गरीब कहाँ से आएगा? गरीब तो मंदिर की सीढ़ियों पर मिलेंगे ना। गरीब नहीं रकीब, तेरा रकीब मेरे बेटे का कॉम्पिटिटर, कहाँ है वो चुड़ैल का बच्चा? सासू माँ आप ये सब क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ डायन। क्या हुआ भाग्यवान? अजी इसके कमरे में ना मैंने किसी आदमी की आवाज़ सुनी, ये दोनों कमरे में पूछी पूछी कर रहे थे। छी 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 सासू माँ, आपको ये सब कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही है? आप मुझ पे शक कर रही है, अपनी बेटी जैसी बहू पर? लो मेरा कमरा चेक कर लीजिए, मैं अभी के अभी इनको फोन करके बताती हूँ कि वो यहाँ नहीं है, तो आप मुझ पे कैसे आरोप लगा रही है? वहीं सास ससुर को कमरे में कोई भी नहीं दिखता। तभी ससुर, नहीं बेटी जा तू सो जा, मुझे लगता है इसने सपने में कुछ उल्टा सीधा देख लिया है, इसीलिए ये फालतू बकवास कर रही है। और तुम भाग्यवान चलो कमरे में, तुम भी सो जाओ। अजी मैं सच कह रही हूँ, कोई था इसके कमरे में। तभी ससुर सास का मुंह बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं अगले दिन जब सास सब्जी मंडी जाती है, तभी भैया ये टमाटर कैसे दिए? 100 रुपए किलो माँ जी। अरे भैया कितना लूटोगे, कुछ कम करो। तभी पास ही खड़ी औरत कहती है, अरे आप तो मालती जी है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैं जासूस। जासूस? किसकी जासूस? अरे मेरा मतलब मेरा नाम राधिका है माँ जी, मैं तो बस लोगों की खबर रखती हूँ। और आपको एक बात बतानी थी, आपके ही पते की बात है। कहो क्या हुआ? ऐसे नहीं, साइड में चलो। फिर राधिका सास को साइड में ले जाकर चांदनी के खिलाफ उसके खूब कान भरती है। पता है माँ जी, आपकी बहू जो चांदनी है ना, मिनी स्कर्ट पहनकर मार्केट में घूमती है। अरे आपको क्या पता, उसकी ना जाने कैसे कैसे लोगों से दोस्ती है, यहाँ के हर गुंडे मवाली टपोरियों से जान पहचान है उसकी, और तो और एक नंबर की बदजलन औरत है वो। ये क्या बकवास कर रही हो मेरी बहू के बारे में? बकवास नहीं, सही कह रही हूँ, मैं तो आपके भले के लिए आपको बताया है। यकीन नहीं आता तो प्रूफ दे दो, यहाँ मार्केट में हर आदमी उसे जानता है। अगर इस औरत ने मार्केट में किसी से पूछवा दिया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर सास वहाँ से चली जाती है। अब आएगा मजा। वहीं घर पर सास अपनी बहू की निगरानी करने लगती है। बहू कमरे में क्या कर रही है, किचन में क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। सास इन सब चीजों की जासूसी करने लगती है, लेकिन चांदनी को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे ही एक दिन रात के समय जब घर में केवल मालती और चांदनी थे, तो अचानक से फिर से मालती को ऐसा आभास होता है कि चांदनी के कमरे में कोई तो है। तभी मालती धीरे से बाहर जाकर चांदनी के कमरे के दरवाजे में कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगती है। अरे वाह, तुम तो कितनी चालाक हो, बड़ी आसानी से उस बुढ़िया को बेवकूफ बना दिया तुमने। देखो ना, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हाँ यार, बहुत दिन हो गए। आओ यार, आज जी भर का मुलाकात करते हैं। शेफ 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 शेफ, ऐसी बच्चलन मेरे घर में, आज तो इसे मैं मार ही डालूंगी। अरे ओ कल मोही, उल्टा दरवाजा खोल वरना दरवाजा तोड़ दूंगी। तभी सास बड़ी सी हथौड़ी लेकर दरवाजे पर मारने लग जाती है और तब तक बहू दरवाजा खोल देती है। वहीं सास को हाथ में हथौड़ा लिए देखकर बहू बिल्कुल एकदम चौंक जाती है। ये क्या है सासू माँ? उल्टा? माँ तो मुझे कहना ही मत तू, और ये बता कहाँ है तेरा वो टपोरी बॉयफ्रेंड? तब बहू समझ जाती है कि आखिर सास किस बारे में बात कर रही है। ओ हो हो हो, माँ जी प्रणाम, आप मुझे ही ढूंढ रही थी ना, देखो मैं आपके सामने आ गया। अरे राहुल, खड़े क्या हो, माँ के पैर छुओ। हाँ लो, अभी छूता हूँ। तभी बहू के मुँह से लड़की और लड़का दोनों की आवाज़ सुनकर सास खुद पर ही बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। लेकिन तू ऐसा क्यों करती है बहू? सासू माँ, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम ही यही है। मुझे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हूँ। ये मेरी जरूरत नहीं, मेरा शौक है। मैं अब तक आपको और सभी को ये बात नहीं बताई कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी आवाज़ बेचकर ही पैसे कमाती हूँ। मुझे लगा कि आपको बताऊंगी तो आप काम नहीं करने देंगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तभी सास को अपनी गलती का पछतावा होता है। बहू मुझे माफ़ कर दे, मेरी बच्ची तू तो कितनी नेक है, और मैंने मन में तेरे लिए ना जाने क्या क्या सोच लिया था। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ हैं। उसके बाद सास बहू को काम करने की पूरी आज़ादी दे देती है और वह हमेशा उसका खूब ख्याल रखती है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए करणवीकपूर@gmail.com पर।